सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। ग्रेटर नोएडा के एक गैलेक्सी प्लाजा की तीसरी मंजिल में भीषण आग लग गई। गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे आग लगते ही पूरी बिल्डिंग में धुआं भर गया। इसमें अफरा तफरी मच गई। तीसरी मंजिल पर 3 लोग अंदर फंस गए, इसमें एक युवती भी थी। धुआं बढ़ने से घबरा कर वह बिल्डिंग का शीशा तोड़ कर बचने के लिए बाहर लटक गए। कुछ देर लटकने के बाद जब कोई मदद नहीं मिली तो तीनों एक के बाद एक नीचे कूद गए। नीचे स्थानीय लोगों ने बोरी गद्दा बिछाया था। हालांकि करीब 20 से 30 फीट की ऊंचाई से गिरने की वजह से उनको गंभीर चोट आई। तीनों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा बिसरक थाना क्षेत्र के गौर सिटी में हुआ। मौके पर पहुंची दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तीसरी मंजिल में आग लगने के कारण आग बुझाने में काफी दिक्कत हुई। धुआं बाहर निकालने के लिए फायरमैन ने बिल्डिंग के कई शीशे तोड़ दिए। DCP सेंट्रल नोएडा अनिल कुमार यादव ने बताया कि कूलिंग के बाद बिल्डिंग के एक एक हिस्से में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बिल्डिंग में काफी धुआं भरा हुआ है। फिलहाल अभी तक किसी की मौत की सूचना नहीं मिली। आग कैसे लगी यह अभी क्लियर नहीं हो पाया। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में AC में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात सामने आ रही है। हालांकि जांच के बाद ही सही बात पता चल पाएगी। प्लाजा में आग की शुरुआत तीसरी मंजिल पर बने प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस से हुई। पूरी बिल्डिंग शीशे से पैक थी। ऐसे में कुछ ही मिनट में धुआं पूरी बिल्डिंग में फैल गया। हादसे में जो 3 लोग कूदकर घायल हुए हैं वो प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ काम करते थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि प्लाजा में कहीं भी ज्यादा दुकानें नहीं, इस कारण भीड़ कम थी, वरना बड़ी घटना हो सकती थी। हादसे के वीडियो भी वायरल हुए हैं। इसमें दिख रहा है कि एक युवक और युवती बिल्डिंग पर लटके हुए हैं। दूसरे वीडियो में लड़का कूदता हुआ नजर आ रहा है। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि प्रॉपर्टी ऑफिस में आग लगी थी। 2 बच्चे अंदर फंसे थे। दोनों बच्चे खिड़की के पास आ गए थे, इसके बाद उन्हें बचा लिया गया। खबरी चौखट की रिपोर्ट।